बांका में एक ओर जहां सभी लोग मां दुर्गा की आराधना में लीन थे, वहीं अपराधी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ताजा मामला बांका थाना क्षेत्र के मंजरा कोल गांव का है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मंजरा कोल गांव के जाहिर अंसारी के घर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान एक देसी कट्टा के साथ 14 जिंदा कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया। एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया इस मामले में छापेमारी जारी है। हथियार की बरामदी हुई है। आगामी दुर्गा पूजा और चुनाव को लेकर के विधि व्यवस्था संबंधी मेंटेन करने के लिए, विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बांका पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर हमारे गश्ती जो बांका सदर थाना है उसकी गश्ती पार्टी के द्वारा जाहिर अंसारी नाम के एक व्यक्ति जो कि मंजर कोला बस्ती के रहने वाले हैं उनके यहाँ छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी, जिनके यहाँ से एक देसी कट्टा और 14 गोलियाँ बरामद हुई।